नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार चीजें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम। ये चारों ऐसे पॉइंट हैं जिसमें स्टूडेंट प्राय कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इन चारों को आज हम डिटेल अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। इन चारों में से सबसे पहले हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या चीज है। एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो खर्चा हमने कर दिया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, यानी कि अनपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चे देने बाकी है उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अनपेड, या हम इसको बोल सकते हैं अनपेड एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनर्न, इन चारों का हम कैलकुलेशन कब करते हैं बिजनेस में? जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तो उस दिन हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्या एक्रूड इनकम है और क्या अनअर्न इनकम है। इन चारों का कैलकुलेशन जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में ही होता है। तो ये हमारे कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो ये भी हम आपको अभी बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो एक्सपेंसेस हमारे पे करना बाकी है उसी को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे आपके यहां कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उस एम्प्लॉय से आपने सर्विस ले ली लेकिन आपने उसको अभी तक सैलरी पे नहीं किया है अप टू द डेट ऑफ एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर के एंड तक आपने जो जो सर्विस ले लिए लेकिन उसके बदले में हमने अमाउंट पे नहीं किया है, एक्सपेंसेस पे नहीं किया है, तो उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसकी जनरल एंट्री कैसे होती है? जैसे कोई भी एक्सपेंसेस हमारा आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंसेस अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए कि आपने एक्सपेंसेस पे कर दिया, तब आप क्या एंट्री बनाते थे, ये हम पढ़ चुके हैं। जब हम एक्सपेंसेस पे कर देते हैं तो हमारी एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कोई भी एक्सपेंसेस हमारा हुआ है और हम उसको पे करनी है तो दूसरा कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोज आउट। तो जब हम एक्सपेंसेस पे कर देते हैं तब हमारी एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहां पर हमने एक्सपेंसेस पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पर हमारा ये कैश अकाउंट की जगह आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कैश की जगह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आ गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? तो इसका पूरा रूल हमको समझना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये उस पर्सन का अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट माना जाता है। तो ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हमने सर्विस तो ले लिए लेकिन अभी तक हमने उसको अमाउंट पे नहीं किया है। मान लो हमने मदन से सर्विस ले लिए और मदन को हमने अमाउंट पे नहीं किया है, तो यहां पर मदन कौन हुआ? गिवन, क्योंकि वो सर्विस तो हमको दे चुका है, तो ये उसी का ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा आउटस्टैंडिंग। तो ये मदन एक पर्सन है, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, आप उससे सर्विस ले चुके हो तो वो कौन हुआ? गिवन, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उस
पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है जिससे हमने सर्विस तो ले ली है लेकिन अमाउंट पे नहीं किया है। तो सर्विस लेने के कारण वो गिवर है, इसलिए उसका अकाउंट हमने क्रेडिट किया, और जब हम उसको अमाउंट पे कर देंगे तब वो डेबिट हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो ये हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एंट्री। कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, जैसे मान लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो तो उसका एंट्री ऐसे ही बनेगा। और ये क्यों क्रेडिट हुआ ये हमने आपको बताया, इसका नरेशन हो जाता है बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, यानी कि खर्चे हमने कर दिए बट नॉट पेड, या फिर एक्सपेंसेस अनपेड। नेक्स्ट प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि क्या, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो खर्चे हमने पहले से पे कर दिए, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, अगले साल से रिलेटेड है, नेक्स्ट हमारे ईयर से रिलेटेड है और हमने उसको इसी साल पे कर दिया पहले से, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, पहले आप रिचार्ज करते हैं उसके बाद उसको यूज करते हैं, तो ये भी प्रीपेड बोलते हैं इसको। तो प्रीपेड यानी कि जो पहले से ही पे हो जाता है। जब हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तब एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन वो हमारा एक्सपेंसेस अभी हुआ नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि एक्सपेंसेस की जगह प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया। कैश तो इफेक्ट होगा क्योंकि हमने पे किया है, और कैश रियल अकाउंट है, डेबिट और टर्म्स इन क्रेडिट और गोज आउट, तो कैश जा रहा है हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये क्यों डेबिट हुआ, तो देखिए ये पर्सनल अकाउंट है हमारा और ये उस पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जिसको हम एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर रहे हैं। तो वो पर्सन कौन हुआ, रिसीवर या गिवर, तो हमने एडवांस में पे किया है जिसको, वो रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर होने के कारण हम उस पर्सन का अकाउंट डेबिट करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है डेबिट द रिसीवर, और कैश हमारा गया रियल अकाउंट है इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्री हो गई हमारी प्रीपेड की। अब प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में एक चीज और समझना है कि जो कुछ भी हम पहले से पे कर दिए उसके बदले में हमको सर्विस मिलना बाकी है वो होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये हमारे बिजनेस का एसेट्स है। जब तक हमको उसके बदले में सर्विस न मिल जाए वो हमारे लिए एसेट्स है, यदि वो हमको सर्विस नहीं देगा तो हम ये अपना पैसा वापस ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस, मतलब हमने सर्विस तो ले लिए लेकिन एक्सपेंसेस देना बाकी है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस में हमको कुछ भी पे करना है तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। अब इसके बाद तीसरा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है, यानी कमा ली है, हमने सर्विस दे दी है लेकिन उसके बदले में अभी हमको पैसा नहीं मिला है, तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न EARNED, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ऐसी इनकम जो अर्न कर ली है मतलब हमने कमा ली है उसी को एक्रूड बोलते हैं, तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन अभी तक हमको मिलना बाकी है, मिला नहीं है।
जब हमको इनकम मिल जाती है तब हम क्या एंट्री बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम का अकाउंट क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिटेड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होगा, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, और कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है। लेकिन हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्रूड इनकम, यानी ऐसी इनकम जो हमको मिलना बाकी है, और जब मिलना बाकी है तो यहां पर कैश अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि कैश तो मिला ही नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? तो उसकी जगह आ जाएगा हमारा एक्रूड इनकम अकाउंट, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इनकम का नाम दिया हुआ है तो नाम आ जाएगा। तो अब एक्रूड इनकम डेबिट हुआ, लेकिन क्यों डेबिट हुआ? रूल देखिए इसका, ये भी पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये उस पर्सन का जिसको हम सर्विस तो दे चुके हैं लेकिन हमको उससे अभी तक पैसा नहीं मिला। तो हम सर्विस दे चुके हैं तो वो पर्सन कौन हुआ? रिसीवर, क्योंकि वो हमारे से सर्विस ले चुका है तो वो रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, तो ये उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है और हम उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को डेबिट किए क्योंकि वो रिसीवर है, हमारे से सर्विस ले चुका है, और ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट है और ये हमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो रिसीवर है, और इनकम नॉमिनल अकाउंट है और वो हमेशा क्रेडिट होता है, रूल है नॉमिनल अकाउंट का। जैसे मान लीजिए आपने किसी का गुड्स सोल्ड कर दिया, आपने किसी का गुड्स बेच दिया और उसके बदले में आपको उससे कमीशन मिलना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्रूड कमीशन। तो उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं है, कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, और जब बाद में अमाउंट मिल जाएगा तब फिर एक्रूड इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो पर्सन गिवर हो जाएगा, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्रूड इनकम, इसका नरेशन हो जाता है बीइंग इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, और एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट्स है क्योंकि हमको उसका अमाउंट, उसका पैसा मिलना बाकी है, और जो भी हमको किसी से कुछ लेना है तो वो सब हमारा एसेट्स होता है, और जो कुछ भी पे करना हो वो हमारी लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट चौथा, फोर्थ, अनअर्न इनकम। एक्रूड इनकम का अपोजिट है अनअर्न इनकम, इसको हम अनएक्रूड भी बोल सकते हैं, अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम एक्रूड इनकम का बिल्कुल अपोजिट है ये। एक्रूड इनकम यानी हमने पढ़ा था इनकम हमने अर्न कर ली है, कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। लेकिन अनअर्न इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, जो इनकम हमको एडवांस में मिल जाती है जिसके लिए सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, तो इनकम रिसीव इन एडवांस वो अनअर्न इनकम। ये मेरे लिए लायबिलिटी है यदि मेरे को कोई इनकम एडवांस में मिल गई है, तो क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि उसके बदले में अभी हमको सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, और यदि सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वापस करना पड़ेगा अमाउंट। मान लीजिए मेरे पास कोई व्यक्ति ट्यूशन लेने के लिए आता है और मैं उससे फीस एडवांस में ले लेता हूं, तो ये मेरे लिए अनअर्न फीस हुई, अनअर्न इनकम हुई। कब तक ये मेरे लिए अनअर्न है? जब तक मैं उसके बदले में सर्विस प्रोवाइड ना कर दूं, तब तक ये मेरे लिए अनअर्न इनकम है क्योंकि मेरे को वो फीस एडवांस में मिल गया है। जब कोई इनकम हमको मिल जाती है तो हम उसकी एंट्री क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम।
कैश रियल अकाउंट है आ रहा है तो डेबिट वाट कम से, इनकम नॉमिनल अकाउंट है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अभी हमारा यहां पर क्वेश्चन यह है कि इनकम हमारी अभी तक अर्न नहीं हुई है लेकिन हमको पहले से मिल गई, तो अभी तो वो हमारी इनकम अर्न नहीं हुई है पहले से मिल गया है तो फिर यहां पर इनकम की जगह क्या आ जाएगा, तो उसकी जगह हमारा आ जाएगा अनर्न इनकम अकाउंट, अनर्न इनकम अकाउंट। कैश अकाउंट तो आएगा क्योंकि पैसा तो मिल रहा है हमको, तो डेबिट और कम से रियल अकाउंट करूं ले तो कैश अकाउंट तो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन अनर्न इनकम अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ इसका रूल, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में भी ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिससे हमको इनकम एडवांस में मिल गई है, तो वो पर्सन जो हमको इनकम एडवांस में दे रहा है वो कौन है, गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए उसका ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि उस पर्सन से हमको इनकम मिली है तो वो गिवर है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट, और जब बाद में हम सर्विस प्रोवाइड कर देंगे तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो रिसीवर हो जाएगा, हमारी जब सर्विस उसको मिल जाएगी तब हम डेबिट कर देंगे। अब अदर इनकम हमारी लायबिलिटी है, और ये क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि इसके बदले में हमको सर्विस देना बाकी है। तो आज हमने इन चारों चीजों को पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर हमने पढ़ा प्रीपेड, फिर एक्रूड और अनर्न। बहुत ही सिंपल है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस जो अनपेड है देना बाकी है, और जो पहले से एडवांस में पे कर देते हैं उसको प्रीपेड। एक्रूड इनकम यानी जो इनकम हमको मिलना बाकी है लेकिन सर्विस हम दे चुके हैं, यानी कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। और अनर्न मतलब उसका अपोजिट जो इनकम पहले से मिल गया। तो आज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसमें हमेशा स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और अगले अब हमारे वीडियो में, क्योंकि हमने अभी तक जर्नल एंट्री तो काफी पढ़ ली है, और जर्नल एंट्री के बाद बारी आती है, नंबर आता है लेजर का। अकाउंट में एक सर्कल होता है, सबसे पहले जर्नल एंट्री, उसके बाद होता है लेजर, उसके बाद लेजर की हेल्प से बनता है ट्रायल बैलेंस, और उसकी हेल्प से बनता है फाइनल अकाउंट जो हर व्यापारी हर बिजनेसमैन को बनाना पड़ता है। तो हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे लेजर, और आप हमारा ये वीडियो हमेशा देखते रहिए और आगे भी इसको भेजते रहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारा वीडियो शेयर करेंगे। नमस्कार, जय जिनेंद्र।